हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मोती कैसे बनाते हैं। मोती मीन्स पर्ल्स, और पर्ल्स जो शीप में से निकलते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम ये स्केचिंग से नहीं बनाने वाले, ना वाटर कलर से बनाने वाले, ना ऑयल से बनाने वाले, ये हम बनाएंगे रंगोली से। रंगोली से बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको कलर फिलअप करना है, कैसे आप उसमें शाइन दिखा सकते हैं और कैसे आप उसे 3D दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्केचिंग के साइड। सबसे पहले हम उसे स्केच करते हैं। मेरे पास वो स्केच रेडी है, तो मैं आपको उसके ऊपर से टिप्स बताती हूँ कि कैसे आपको स्केच करना है। अगर आपकी स्केचिंग प्रॉपर नहीं है तो आप ग्रिड से भी कर सकते हैं, बाकी आप फ्री हैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्केचिंग। सबसे पहले आपको पेंसिल लेना है। अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो आपको लाइट पेंसिल यूज़ करना है। अगर आपका लाइट बैकग्राउंड है तो आप 2B से 10B तक कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करिए आप, मतलब चारकोल पेंसिल ना यूज़ करें, ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर बनेगा। सो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बहुत सारे सर्कल बनाए हैं, और सर्कल के अंदर भी आपको कुछ सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है पहले आपको वैसा ही ड्रॉ करना है। पहले सर्कल बनाना है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बनाना है। फिर आपको लेना है वाइट कलर, और उसके बाद ब्लू कलर, फिर उसके बाद येलो कलर। अब हम इसे करेंगे मिक्स। सबसे पहले हमको वाइट कलर में ब्लू कलर मिक्स करना है, और फिर ब्लू कलर के साथ हम मिक्स करेंगे येलो कलर, क्योंकि हमारे जो मोती है उसमें बहुत सारे शेड दिखाई दे रहे हैं जो लाइट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसी लाइट्स होती है वैसे शेड हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लू और येलो का मिक्सअप दिखाई दे रहा है, तो हम वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर यहाँ पर अप्लाई किया है, उसी के साथ में मैंने ब्लू कलर भी किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं कहीं पर मैं डार्क और लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, कहीं पर मैंने पूरा वाइट कलर अप्लाई किया है। तो जैसा मैंने किया आपको वैसा ही करना है। पहले आपको बाउंड्री कवर करना है, फिर उसके बाद आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बीच का जो ब्लूइश पोर्शन है वो कंप्लीट करना है, और उसके बाद शाइन डालना है। आपको शाइन वाला पोर्शन आपको लास्ट में कंप्लीट करना है, जैसे कि वाइट डॉट आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही करते करते हम सारे जो मोती हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट जैसा मैंने बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पर येलो कलर भी यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे येलो शेड ज़्यादा दिखाई दे रहा था पिक्चर में, तो मैंने यहाँ पर येलो शेड यूज़ किया है। ऐसे ही आपने जितने भी मोती ड्रॉ किए हैं, जिस भी शेप के ड्रॉ करे हैं, बड़े या छोटे, आपको सभी को कलर फिलअप करना है। आपको जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो कंप्लीट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने छोटे छोटे कर्ल्स बनाए हैं, तो वो जो कर्व है वो भी आपको प्रॉपर बनाना है, और शाइन भी आपको प्रॉपर देना है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक के पीछे एक मैं मोती बना रही हूँ, तो वो आपको वैसे ही कलर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो राउंड में है तो आप उसको थोड़ा सा साइड करके कलर करें, राउंड में है तो प्रॉपर राउंड में ही कलर करना है आपको। सो यहाँ पर हमारे बहुत सारे मोती कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट के दो मोती बचे हुए हैं। मोती कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने दी है शेडो। तो शेडो आपको मोती के अकॉर्डिंग ही देनी है। अगर वो कर्व में है तो कर्व शेडो ही आपको देनी है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको प्रॉपर 3D जो मोती है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे ये। और उसी के साथ जो शेडो है वो आप प्रॉपर दीजिए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि जिस कलर का आपका बैकग्राउंड है उस कलर की शेडो दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।